कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज दोपहर हो गई है, बजा है 12। तो अभी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग अब खाना खा रहे हैं, उसके बाद जो कुछ करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा था लेकिन कुछ वीक हो गया है, यही आप लोग से शिकायत है। तो ठीक है, अच्छा से रिस्पॉन्स मतलब दीजिए, अच्छे से बने रहना हमारे ब्लॉग में, और ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, है ना दोस्तों। ये इधर चल रहा है कूलर, तो एकदम से रहिएगा, उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। मैं साड़ी पहने हूँ क्योंकि आज मौसम ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा सा कूल है, फ्रेश है इसलिए। ये हमारा विंडो इधर खुला है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहना इस ब्लॉग में। तो हम लोग अब खाना खाते हैं, इनके पापा खाना खा रहे हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। घी डालू ना उसमें? A few moments later. तो दोस्तों, अब हो गया है शाम का टाइम। दोपहर को मैंने खाना बनाया, उसके बाद सो गई थी और सोने के बाद अब उठी हूँ, और अब मुझे बनाना है चाय। और आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और शेंजी के पापा गए हैं उसको चीज़ दिलाने अभी, तो चीज़ लेकर वो आ रहा होगा, और अब मैं बनाऊँगी खाना, है ना दोस्तों। ये देखो आ गया है बंदर वाला दाना चीजी लेकर। ये क्या है? इसमें दाना है? ये देखो, ये चीजी कुछ लेकर आया, ग्रीन ग्रीन। सुबह से कह रहे थे हम दाने खाएंगे, मम्मी दाने लेने चलो। दाने खोल दें, कितने दाने लाए हो? लो एक। और क्या लाए हो? बिस्किट लाए हैं, दाने लाए हैं शैंकी, तो है ना दोस्तों। चलते हैं फिर, हम खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पापा छुट्टी नहीं करी, क्या खा रहे हो? चलंगा। पचलंगा का है, वो तो एक ही रंग का है, हरे हरे दाने हैं। साइकिल आया, फंकी के दाने होते हैं वो, ये खाने लगा है। तो इकट्ठा ले आना कल दाने, हैं सब कलर के ले आना, पूरा डब्बा, मतलब जो को जाओगे लिस्ट लेकर राशन लेने, अब ले आना साथ में, है। हाँ, लिस्ट बनाएंगे, कल बना लेंगे, कल 7 तारीख है, तो हो सकता है सर्दी आ जाए, तो हाँ इनके लिए मंगा भी लेंगे। और इस बार कुरकुरे और कुरकुरे ले आना इसके लिए, ठीक है, बहुत परेशान करता है। चॉकलेट सारी ले आना, इकट्ठा फ्रिज में रख देंगे, कुरकुरे भी। शंकी क्या लाए हो आप? दाने कहाँ है? दाने दाने दे दो, कहाँ है डिब्बी उसकी? कहाँ? क्या हुआ? नहीं तो? तो दोस्तों, इसने देखो दाने खा लिए हैं, अभी और दूसरे ला कर दो, वो एक ही बार में खा लेता है। दोस्तों बताना, ये हमारी बेडशीट कैसी है, व्हाइट कलर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। तो चलो चलते हैं किचन में, देर नहीं करते हैं, और जल्दी से बनाते हैं चाय, पकौड़ी, सब्जी। ये देखिए, मैंने इतना सारा प्याज काट लिया है, और अब बनाती हूँ। और ये मेरी चूड़ी है ना, ये पहले की एक पिंक कलर की साड़ी है उस पर की है, तो मैंने सोचा ना ये ब्लाउज पिंक है तो ये इस पर चल जाएगा, इसे पहन लेते हैं आज। और ये इयर रिंग होता ना, ये उस दिन मैं लेकर आई थी, इयर रिंग आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में ना दोस्तों। देखो सोनम ने इसमें प्याज में मिल्क पाउडर डाल दिया है। मुझे पता, देखो वो ये ना, इसमें दूध पाउडर मतलब है बाबू का, और इसमें हमने बेसन भर रखा है, तो हम भूल गए, ये हम सोचे इसमें डाल दिया प्याज में पकौड़ी के लिए, दूध पाउडर सेम डब्बा है ना, इसलिए देखो उन्होंने बेसन की जगह पे मिल्क पाउडर डाल दिया। अब मिल्क पाउडर और प्याज की पकौड़ी बनेगी। हंस भी रही है इधर, क्या गलती हो गई, हमें पता ही नहीं चला, हमें तो सेम सेम था ना इसलिए। और क्या कर, ये सोंदा ही तो है, इतना मीठा नहीं, और एक चम्मच ही पड़ा है, तो हम इसमें बेसन भी डाल देते हैं, पकौड़ी अच्छी बन जाएंगी, हैं? और अब धुलेंगे क्या? सोंदा हो जाएगा, बहुत सोंदा होता है ना, अमूल का दूध है, मजाक की थोड़ी है कोई, अलग रखो ना इसमें टैग। तो यहाँ पे तुम मार्कर ले आओ, लिखो रेड वाला मार्कर ले आओ।
यार पहली बार गलती हुई, मैंने कभी कोई गलती नहीं करी है। हो गई तो हो गई गलती। अब देखो सोनम ने जैसे तैसे पकौड़ी बना ली है। हाँ, जैसे तैसे क्या, अच्छी होंगी। तुम अच्छा चाय टेस्ट करके देखो, एक खा के तो देखो। खाओ इधर खाओ। हाँ, ये दोस्तों आप लोग भी खा दो। देखो खा के कैसी बनी है, खाओ तो उसमें तो दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल तुम पहले टेस्ट करके देखो, अच्छी होंगी हमें पता है। अच्छी होंगी बनी। मीठा नहीं है क्या? बहुत। सही बताओ। मजा क्या? खिलाओ हमको देखे। अच्छी है। चाय खाने? पसीना आ रहा है। पसीना तो आएगा किचन में है। खाएंगे पकौड़ी। ये बिस्किट खाएगा बाबू। अभी ये चाय पकौड़ी बिस्किट के बाद बनाएंगे खाना। लो दोस्तों पी लीजिए आप लोग भी। यम्मी बाबू बताओ पापा को। पापा सभी दोस्तों यम्मी शेंकी करा यम्मी, क्योंकि उसका दूध पाउडर पड़ा है उसमें। तभी क्या शेंकी का दूध पाउडर। तभी शेंकी करा यम्मी। वैसे चाय ना कहता। थोड़ी हो अंदर से खाली हो। उससे गलती हो गई, वो दूध पाउडर मैंने डाल दिया था, सेम डिब्बे था ना, इसलिए तो गलती हो गई थोड़ी सी। लेकिन कोई टेस्ट में फर्क नहीं आया, अच्छा ये और टेस्टी बन गई, थोड़ी सी खरी हो गई है। देखिए ये बिस्किट है, ये पकौड़ियाँ हैं, थोड़ी पकौड़ी और वहाँ पे भी रखी हैं, तो आप लोग आइए खा लीजिए आके। ले लीजिए चाय, ले लीजिए पकौड़ी, है ना। शैंकी अपना गेम देख रहे हैं, उनके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था तो इनके पापा ने डाल दिया, हो गया तो फिर से लग गए हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी गई है, ये मैंने पकौड़ी की सब्जी बनाई है और दाल इसमें रखी है कुकर में, चावल सारे खाना रखा है, बहुत सारा बच्चा हुआ खाएगा इनकी पापा ने, तो ये सब्जी हो गई पकौड़ी। खेला जा रहा है देख रहा है इधर शेंकी को, तो ध्यान से वो देख रहा है अपनी मम्मी की गोदी में। तो बाकी वो जो कीर्तन हो रहा था वो वैसे ही है, हो ही रहा है। मिक्की माउस फिर से लग गया, गाड़ी वाला झूला भी लग गया, अब तो तीन होंगे जंपिंग वाले जी। रंगीरी नहा को ये पता क्या करे, एक मौत का कुआं लगेगा, वो पानी में लगेगा। तो देखिए आंटी भी खेल रही है शैंकी के साथ। ये देखो आंटी जी भी खेल रही है शैंकी के साथ। बोल आंटी जी को देख के वो डालता जरूर है। सब्जी में नहीं है, रोटी आटा गुंधाया है, बस डालनी है। देखो अभी कितना, एक घंटा है,
अभी चले जाओगे? हे देखो वो हमारी वो गई वो चिपकली के ये वाली। तो दोस्तों मैं फ्री हो गई हूँ, मेरा काम हो गया है, सब खाना वाना सब हो गया है रेडी। और पसीना देखिए कितना सारा आ रहा है मुझे, अभी गर्मी यहाँ हो रही है, शाम के समय होने लगती है, दोपहर में कुछ कम थी और रात को तो ठंड लगती है। तो ये खा रहे हैं ये खाना और ये टिफिन मैंने पैक कर दिया है, तो ये ले जाएंगे ड्यूटी है ना दोस्तों। का दिखाएं, ये दलिया है, इसमें मैं डेली यूज का सामान रख देती हूँ, मेकअप से कप का है ना, तो ये शैंकी डेली उठाता है हर चीजें, इधर उधर दुकान जैसी लगा देगा और फिर समेट के रखेगा, फिर डालेगा फिर रखेगा, और वो जो गुड्डा है उसके मेकअप करता है इसने बिल्कुल खराब सब कर दिया है। और बहुत सारा मैंने उठा उठा के अलग रख दिया है पॉलिथीन में बांध के, मैंने ये नहीं तो ये तोड़ देगा खराब कर देगा है ना दोस्तों। ये बहुत सारा आरती हो गया, हमारी बिंदिया विंदिया सब इसने खराब कर दी है। और ये जा रहे हैं ड्यूटी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, सारी रात हम और बाबू यहाँ अकेले सो जाते हैं, बंद कर लेते हैं ये विंडो खिड़कियाँ सब कुछ और सो जाते हैं। और क्या करें, बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है ना। काश ऐसा कोई काम हो जिसमें नाइट की ड्यूटी ना लगे, दिन की ही दिन रहे तो ज्यादा सही रहे है ना। चलिए ठीक है, कट रही है लाइफ। आज मैंने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, ये बहुत मेरे यहाँ पे मतलब जल रहा था तो इसलिए नहीं पहना, निकाल दिया था। मैंने ना जाने को ड्यूटी देखो कह देते हैं कि आज नहीं जाऊंगा, लेकिन चले भी जाते हैं। खाना तो बोल दो, खाने को जो सब लोग देख रहे हैं तुमको थाली दिखा रहे, करे आओ सब लोग खा लो, खा लो ये दाल चावल दाल चावल सब्जी रोटी है। ठीक है जाओ जल्दी, सुबह आ जाना है, कुछ सात भी बहुत देर में बचते हैं। अब रो रहे हैं तो शेंगे उनको दूध पिला रहा है कह रहे रोना नहीं, मम्मी जा चुको तो मम्मी को चुपा लो, मम्मी लो रही है शैंकिन को चुपा लेता है, अगर उदास हो थोड़ा सा गुप्यार करेगा इधर उधर छिपेगा दूध पिला देता है। देखिए दोस्तों शैंकिन चप्पल लेके घूम रहा है, कह रहा मुझे पहनाओ और वहां पे झूला झुलाओ जो सामने लगे हैं ग्राउंड में, कह रहे जंपिंग करेंगे हम और चप्पले फेंक रहा जिसका हो रहा है पापा से चलो जा रहे हैं झूला झुला दोगे, कल 5 बजे उठ जाना है, एक बार झुला देना चलते हैं, बहुत कहता है बेचारा बाबू, कल चलेंगे ठीक है, कल चलेंगे बेटा। बाबू दूर है, मम्मी कैसे जाएगी, पानी भी है। बोलो पापा जाने, बाय कर लो जल्दी, बाय करो बाय करो बाय, थैंक यू बाय। शैंकी की मौसी शैंकी कहता है मौसी है मौसी जी क्या रहा शैंकी, फ्रिज के ऊपर मत मारो। तो ये देखिए फ्रिज और कूलर पे मार रहे हैं, नेल पॉलिश हमारी, चलो रखो शैंकी। तो दोस्तों मैंने साड़ी चेंज कर ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ, मतलब सॉरी सोने
दोनों कह रहे थे मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद फिर मैं सोऊंगी, मतलब हम और शैंकी सो जाएंगे, है ना। बस यही हमारा डेली का रूटीन होता है। और तो मैंने ये मैक्सी पहन ली है और उसके बाद अब खाना खाएंगे दोस्तों, और खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे कि पापा चले गए हैं ड्यूटी। जब उनके पापा ड्यूटी जाते तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब नाइट की होती है ड्यूटी, पर क्या करें, रहना तो पड़ता है ना, मजबूरी है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना दोस्तों। और वैसे भी मतलब मेरे वालों का कौन होता है, ना मायका होता है ना ससुराल होता है, बस खाली दिखावे के ही रिश्ते होते हैं थोड़े बहुत। और हमारे ससुराल वाले तो सपोर्ट करते ही करते हैं, मायके वाले तो बिल्कुल भूल गए हैं, क्या बताएं। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।